जो घर गिरने के कगार पर है, जिसका घर जो है, जिसके घर में क्रैक्स बुरी तरह आ गए, लोग जो है छपरों में रह रहे हैं या टिन के शेड में रह रहे हैं या दूसरे के घरों में शरण ले रहे हैं, उन लोगों के घरों को भी जो है उसका भी आकलन किया जाना चाहिए और उनको भी फौरी राहत मिलनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मात्र एक तरपाल दे दिया और उसके बाद कह दिया आपके केसेस बनेंगे, और तरपाल के लिए भी ये कहा गया, मैं अर्की विधानसभा क्षेत्र में था, वहाँ लोगों ने बताया कि ऐसा हमको आदेश हुआ है कि 3 महीने बाद ये तरपाल भी वापस आपको जो है, तरपाल तो क्या, वो जो प्लास्टिक की शीट दी है उसको भी आपको वापस करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ ऐसा ठीक नहीं है, और राहत राशि में भी किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपदा किसी को पूछ कर नहीं आई, कोई पार्टी को पूछ कर नहीं आई कि कौन से दल का है या कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है। सभी लोगों को राहत राशि मिलनी चाहिए और सरकार को रेस्टोरेशन के काम में जो है गति लानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मैं समझता हूँ सांसद होने के नाते मैंने अपनी ओर से हर क्षेत्र का दौरा भी किया है, और मैंने जो हमारा सांसद निधि है उसके माध्यम से भी लोगों को जितना भी हो सकता है रेस्टोरेशन के लिए धन आवंटित करने के लिए, जैसे मेरे पास अभी धन आने ही वाला है और जैसे ही आएगा तो हम उसको आवंटित करेंगे। इसके अलावा खाद्य सामग्री के रूप में भी मैंने करीब 15 टन खाद्य सामग्री जहाँ जहाँ हमारे चाहे जिला सिरमौर और चाहे जिला शिमला या जिला सोलन में, जहाँ जहाँ पर भी इस प्रकार की कहीं पर भी हमसे डिमांड आती है तो उसको भी हम आवंटित कर रहे हैं, अर्थात अपनी ओर से भरसक प्रयास हम कर रहे हैं कि किस प्रकार से पूरे जो लोग इस समय बाढ़ के कारण जिनको क्षति हुई है उसको हम सहायता मुहैया करवा सकें। देखिए मुझे पत्र की तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि हमारी श्रीमती प्रतिभा सिंह जी भी हिमाचल प्रदेश की और मंडी संसदीय क्षेत्र की सम्माननीय सांसद हैं। पत्र लिखने से काम नहीं चलने वाला है, पत्र लिखने से मैं समझता हूँ हमारे जितने भी भाजपा के सांसद हैं, चाहे अनुराग ठाकुर जी हैं, चाहे मैं स्वयं हूँ, या फिर किशन कपूर जी लोकसभा सांसद, या हमारे राज्यसभा के सांसद, चाहे वो सामान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, चाहे माननीय डॉक्टर सिकंदर जी हैं, या श्रीमती सुश्री इंदु गोस्वामी जी हैं, निरंतर जो है अपनी ओर से भरसक सहायता कर रहे हैं। जितनी भी एमपी लैड मिला है उसको प्रदेश के लोगों की सहायता के लिए जो है अपनी ओर से भरसक मदद कर रहे हैं, लेकिन प्रतिभा सिंह जी को, वो भी सांसद हैं और प्रदेश की अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको अगर जैसा आप खत तो हमको लिख रहे हैं, स्वयं भी उनको प्रधानमंत्री जी से बात करनी चाहिए, उनको भी मिलना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज मंडी में क्या हो रहा है, जो मंडी में SPU है उसको बंद किया जा रहा है, किस प्रकार से उसका जो है उसके जो संबंध कॉलेजेस थे उसकी संख्या घटा दी गई है, और जिस प्रकार से वहाँ के जो क्षेत्र के लोग, उनकी आवाज़ बार बार पिछले दिनों भी हम देख रहे थे कि वहाँ के लोग कह रहे थे कि सांसद जी का इस आपदा के समय में, अब तो मैं एक दो दिन से तो देख रहा हूँ, लेकिन ऐसा लोगों का कहना था कि सांसद जी आज आपदा के समय में हमारे बीच में नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बयानबाजी करना और केवल सांसदों को खत लिखना, मैं समझता हूँ इससे काम नहीं चलने वाला है, उनको अपने क्षेत्र के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उनको भी लोगों की समस्याओं को देखते हुए, और जो है उनको क्योंकि वो तो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहिए और गृहमंत्री जी से मिलना चाहिए, उनको भी अपने क्षेत्र की बात करनी चाहिए, केवल पत्र लिखने से कुछ होने वाला नहीं।